पुनर्जन्म की घटनाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी और फिल्मों में भी बहुत देखा होगा, लेकिन एक पुनर्जन्म हमारे अंबेडकर नगर में हुआ है। इन्हीं भाई साहब की दुकान है और इनके भाई का हुआ है। पुनर्जन्म की बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होगी। अभी लेटेस्ट में चल रहा है कि एक लड़का जो अभी 17 साल का हुआ है, जो हरियाणा का है और यहाँ पर वो दूसरे घर में पैदा हुआ है, लेकिन अभी जो हम लोग पुनर्जन्म की बात करने वाले हैं, ये इन्हीं के अपने छोटे भाई थे और इन्हीं के बेटे के रूप में पैदा हुए हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे, यही इनकी दुकान है। आपके चाचा का भाई लगते थे? क्या कैसे पता चला कि इन्हें पुनर्जन्म है, जानते हैं उनके बारे में? हम अपनी बीती कहानी सब बताने लगे, पहले की सब बातें थे। अब हमारा संबंध, उनका संबंध, वस्तर इस जन्म में तो भाई हम उनके चाचा लगते, लेकिन वो पहले का ही बात बताते थे कि हम आपके भाई हैं। अच्छा, आपको क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, भाई बोलते हैं? भाई आकाश नाम लेते हैं। बड़े थे वो बड़े वाला, अपना काम बताते हैं। आपसे बड़े थे? बड़े थे वो बड़े वाला, बात बताते हैं कि आप हमारे आकाश में भैया भी नहीं कहते। बड़े थे भाई, हमको भैया थोड़ी नहीं कहेंगे। हाँ, इस नाते चाचा भी नहीं कहते हैं, नाम लेके बुलाते हैं। लेके बुलाते हैं। आपको क्या कहते हैं, अभी है? नहीं नहीं, पुराना जैसे भाई वाला सब अपना कहते हैं। हमारी मैडम को भाई। अच्छा, आपको भाभी बोलते हैं? नहीं, चाची बोला था। मैं चाची बोला था, मतलब लड़कियां रहे तो दादी लागत रहे। अच्छा, आप दादी लगती हैं, पहले चाची लगती थी, लेकिन आपको चाची ही बोलते हैं? हाँ, चाची बोला था, एकदम सही है। तो क्या उनके जो अमर जी थे, जो इंस्पायर हो गए, तो उनके बारे में क्या खास बातें मिलती है और इनमें भी है क्या? वो बताते हैं, जैसे उनका बंदीपुर में डेथ हो गया था, जो तमसा नदी है, तो बताते थे कि हमारा नदी में मौत हो गया था, मैं डूब गया था। एक हमारे जैसे थे ना, एक साहू का लड़का, मटरू नाम था उसका, तो डूब रहा था, उसी को बचाने गए थे। तो खुद बताते थे कि हमको वो डूब रहा था, हम उसे बचाने गए, हम भी डूब गए, हमारा डेथ बॉडी वहाँ से बहुत दूर मिला, और जहाँ मतलब मतलब शमशान घाट था, तो वहाँ हमको गाड़ दिए थे कि कैसे तुम यहाँ से कैसे फिर और कहाँ गए, कहूँ हमको माता जी लेके गई, हम उनके साथ थे, 7 साल वहीं थे। हाँ, माता जी भाई अपना कृपा बनाई, वो इस घर ला के फिर जन्म कर दी। हाँ, माता से जिद की। अच्छा, कुछ यादें वो दिन, मतलब कि जो कभी कभी व्यवहार होता है कि मिलता जुलता है, फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं, रियल में व्यवहार मिलता है? हाँ, व्यवहार मिलता है, व्यवहार। जो हमारी छोटी बहन थी, उसका जन्मदिन वही मनाते थे। तो एक बार ऐसे था कि जन्मदिन का बात होने लगा, वो कहने लगे कि अरे शिल्पू, तोर जन्मदिन हम मनावत रही, कहाँ मनावत रहा, कहाँ, अरे अजीत की दुकानिया पर से लोंगलता नावत रहा, तो लोंगलता उंगलता हमारे पिताजी लाए थे, कहाँ चाचा वहीं से लोंगलता लाए थे, हमको पता है। तो हमारी बहन चौंक गई, कहे बताइए भैया सही बता रहे हैं, लोंगलता हमारे जन्मदिन में तो खाया जाता था। यहीं पर देखिए ये हैं, और इनकी माता जी पहले पुनर्जन्म में माता जी थी, अभी ये दादी जी हैं। जब आपको कैसे पता चला था कि ये वही हैं? ये जब से अमर गए तब से हम दिन रात रोते थे। किस अवस्था में, कितनी उम्र रही होगी जब वो एक्सपायर हुए थे? 18 साल के थे। फिर तो हम जब से गए तब से हम बिस्तर पर दिन रात रोते थे, नींद नहीं आता था, क्योंकि यंग अवस्था में मरे थे ना, कहते हैं कि कमर टूट 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 जाता है, एकदम टूट गए। हम नींद की गोली खा तब भी नींद न आया, हम दिन रात रोए, बहुत सब समझाए, इतना क्यों रोती हो, देखो, हम कह नहीं, जब तक जिएंगे तब तक रोएंगे, मर जाओ तो आपके पुत्र आ गए हैं, आप मत रोइए। ये भी समझाएं, जेठानी हमारी है, ऐसे रोगी हमके मर जाएंगे, अपने आप भूल जाएंगे, जब तक जिएंगे नहीं भूलेंगे। तो एक दिन 2.5 साल के थे, बेटी हमारे ससुराल थी, इसी जगह पर हम रो रहे थे 11 बजे रात को, हमारे पोती या हमारे बेटे सो रहे थे, बहू खाना बना रहे थे किचन में, तो ही रो रहे हैं, तो मम्मी अम्मा क्यों रो रही हैं, अम्मा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, हम नहीं बोले, अपने दुख में रोए जा रहे हैं। तो बोले क्यों भैया भैया रो रही हो, तुम्हारा भैया तो आ गया। बोले ये बोले अढ़ाई छोटे से, तो बहुत छोटे से, तब हमारे मुंह से निकला, हम के हमारे भैया कहाँ है, तो बोले यही तुम्हारे भैया है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ। हम सोचे कि हम रो रहे हैं तो ये सब चाहे सिखाए होंगे कि कह दो कि हम नहीं अम्मा रोएंगी। तो कल हमारी बेटी फोन की बलिया से, तो हम के बाबू ऐसे बोले हैं कि क्यों भैया भैया, हम तुम्हारे भैया हैं। तो कब फोन हुआ बाबू के दो दिए, तो बतियाए कि आप भाई अम्मा के भैया हो, तो हमारे गोदी में सो गए, नहीं हम अम्मा के अमर हैं, हम अम्मा के अमर हैं, तो खुश हो गई, लेकिन हम नहीं खुश हुए कि ऐसा कहीं हुआ नहीं है। बिल्कुल माता जी, ऐसे हम रोते रोते 7-8 साल बीत गया, तो इन्हीं के ऊपर माता जी आकर कह के गई
कितना दिन से रो रही, ऊपर तकलीफ सबको है, तो सबसे कहेंगे इसका पुत्र लेकर आई हूँ, दे रही हूँ, पैदा हो गए, लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ। कोई दोबारा पाया कि हम पाएंगे? नहीं ना पाएंगे। हमको इतना विश्वास था कि मूर्ति साथ भी सभी नार में फेंकवा दिए। हम रोए जाए माता कहीं 200-400 मनाई से कहीं, कि सब साक्षी थे यहाँ पर कि इसका पुत्र आएगा, 3-3.5 साल पे याद आएगा, नाम वही रखना, हमके नाम नहीं रखे। हमको इतना भी विश्वास नहीं था कि जो माता कह रही हैं वो सच होगा। तो बहू से पूछी तुम्हारा देवर दे दें, बोली हाँ दे दो, भेदभाव नहीं करोगे, नहीं करेंगे। फिर दे के चली गई। अच्छा, उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये छोड़ के जब चली गई, तो उनको पता था कहीं ना कहीं ऐसा करेगी। हाँ, लेकिन पहले से पूछ रही थी। इसकी जब दे दी पेट में, चले यहाँ पेट में थे नहीं, जब माता इनको दे दी ना, फिर भी इनके ऊपर कई बार आई माता, उनसे पूछ कई बार आई उसके बाद भी कि देखो भेदभाव मत करना, घिनना मत कर। याद आने में 2 महीना बाकी था, तो फिर माता यहाँ आई कि देखो तुम्हारा देवर जल्दी ही इसको मिलने वाला, इसका पुत्र, तुम भेदभाव मत करना। तब का हाँ नहीं करेंगे, लेकिन नहीं उसको विश्वास था ना हमको विश्वास था। हमें को विश्वास तो नहीं था ना कि हमारे पुत्र हैं। अगर विश्वास होता तो जिस दिन बोले कि तुम्हारे अमर हैं, तुम्हारे बेटे हैं, तो हम चुप नहीं हो गए होते, हम क्यों रोते? लेकिन हम रो नहीं जा रो। जब ये बताए पुरान 18 साल पुरान बात बताए, वही कपड़ा जलाने वाला बात, तब हमको विश्वास हुआ कि हाँ वही है। अच्छा, माता रानी आप पर आती थी? मतलब कि कोई पूजा वगैरह करती है? कैसे माता रानी की कृपा आप पर हुई? नहीं, बस मम्मी का दुख देख के आई थी। जैसे वो गए ना, तो सपना इनको दिखाती थी। हाँ, तो मैं सपना हमेशा देखती थी। माता रानी का? हाँ, हमेशा देखती थी उनको। यही कहती थी ना कि इनका कपड़ा रखा हुआ था भैया का, तो कह रहे ना मम्मी ये कपड़ा फेंकिए मत, भैया आएंगे तो पहनेंगे। तो आपको सपने में ऐसा आता था कि भैया आएंगे पहनेंगे? आपको जब माता रानी आती थी तो आपको अपनी याददाश्त चली जाती थी कि आप रहता था? नहीं, कि मम्मी हमारे भाभी, मम्मी जो भी कहे हमारे ऊपर आके विश्वास मत करना, माता ऐसा कहीं करती नहीं है। अपना पाप बताए तो बोली 200-400 मनाई, तो हमको तो बेइज्जती महसूस हुआ। तो हम कहे नहीं माता, 2 घर जानता है ना, तो हम सोचे ये तो हो नहीं सकता, 2 ही घर मजा लेगा। विश्वास सही था कि नहीं, कि 2 ही घर मजा लेगा हमारा, हमारी बेटी का ना, तो हम नहीं बुलाएंगे माता, जो 2 आदमी जानते हैं ना, भिन्न हमको तो बेइज्जती। फिर 9वें दिन ऐसा होगा इनके ऊपर आके बाहर निकल गई। अब 200-400 मन इकट्ठे हो गए, पूरा सब भर गया। इसका पुत्र लेकर आई हूँ, इसका अमर लेकर आई हूँ, 9 महीने के बाद चिल्ला रही थी पूरा द्वार। हाँ, रोड पे चिल्ला रही थी, अगर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, दुर्गा नाम बदल देना, तुमने फोटो फेंक दिया था ना, तो फिर से फोटो फेंक देना, अगर ये बात सच नहीं होगा, पत्थर का लकीर है। ये तो रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। मतलब बताइए जरा, भगवान पूरे रोड पे चिल्ला रहे हैं, अगर ये बात सत्य नहीं होगा ना, तो फिर से तुम पूजा मत करना, मेरी फोटो फेंक देने तो फिर से फेंक देना। जो बोल रही हूँ पत्थर का लकीर है, कोई नहीं बदल सकता, 3 साल के बाद याद आएगा पूरा। लेकिन 3 साल का उन्होंने कहा, 3 साल के बाद पूरा ये याददाश्त आ जाएगा। 2.5 साल के चालू हो, लेकिन जब 3 साल तो पूरा सयाना वाला बुद्धि है, ऐसा मत करो। चाची पूछे बाहर पूरा कितना पूरा हल्ला मचा था। अरे पूरा यहाँ घर से लेके पूरा बाहर तक एकदम भीड़ भीड़ रहा। तुम्हारे बहू को भी दे रहे हैं और तुम्हारे पुत्री को भी दे रही हूँ। दोंगा नहीं हुआ था, और फिर भी आशीर्वाद दे दी। आपको भी पुत्र है? पुत्र है, 15 दिन के छोटे बड़े, 15 दिन के छोटे बड़े हैं दोनों। वही दिया रह गया। बाजार के लोग कहे कि देखेंगे आशीर्वाद दिए, देखेंगे क्या होगा। माता रानी आती हैं, माता रानी ऐसा हो कि दोनों को बच्चा होगा। मार्केट में जाती थी, सब कहते हो देखो माता जी आ गई, माता ही जा रही हैं, देखिए माता ही जा रही हैं। कल ना दुश्वार हो गया था, वो देखो माता जा रही हैं। सब बस दोनों हो गए ना, तब तक सब मजा, देखो कहीं से जाओ तो माता आ रही है। मजा ले, आपको लोग एक मतलब कि मजाक के दृश्य समझते थे कि ये नौटंकीबाज है, निगाह से चलता था। हाँ। लेकिन माता अभी भी आती थी, जब उस समय जब तक खो नहीं, जब तक याद नहीं, तब तक आती थी। अच्छा, अभी भी आती हैं? हाँ, आती हैं, नवरात्र में आती हैं, नवरात्र में आती है, लेकिन किसी के सामने नहीं आती। अभी बाबू से बात करें, क्या नाम है? अमर। आपको पिछले जन्म की बातें याद है? क्या क्या याद बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? नदी में गिरे। कैसे नदी में गिरे थे आप?
क्या करने गए थे? बत्तख बचाने। किसको बचाने गए थे? बत्तख के। जब नदी में गिरे थे तो तैर रहे थे, तब सांस फूल रही थी, वो सब याद है? कैसे कैसे हाथ पैर मार रहे थे बचाने के लिए? हाथ जब भगवान लेकर के गए तो क्या बोले कि चलो अब मेरे साथ चलो? क्या बोले वो? मैं याद है, बताओ। सपने क्या देखते हो? नदी। नदी देखते हैं। क्या होता है? डूबते हैं। कौन डूबता है? हम। उसके बाद तैरना आता था तब? तो हाथ पैर मार रहे थे, वो सारी चीजें याद है? जब भगवान बोले कि अब हमारे साथ चलो, वो चीज याद है? याद है। कैसे भगवान आए थे? कैसे आए थे? काले से थे, गोरे से थे? गोरे। भगवान आए थे कि माता आई थी? माता। ऊपर कौन कौन लेके गया था बता दो ये को? ऊपर कौन लेके गया था? माता जी। और कौन लेके आया था? गणेश। गणेश जी, जिनके पास ये हाथी का सूंड है। अच्छा, आपके गुरु का नाम बता दो। गुरु का नाम? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी। किसपे बैठते हैं? किसपे बैठते हैं? फूल पे। देखते हैं, देखे थे वहाँ स्वर्ग लोक में, देखे थे? अच्छा, जब ऊपर थे कितना बड़ा थे? बहुत बड़ा। इतना बड़ा थे? कहाँ थे आप? कहाँ थे? ऊपर। इतना बड़ा थे ना? हाँ। इतना बड़ा थे कि बड़ा थे? बड़ा थे। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। तुम्हारा फोटो कहाँ था बता दो? कहाँ फोटो है? दोनों फोटो। एक बाद में खा लेना। नहीं, खा लीजिए। ये यही है। तुम्हारा फोटो कौन है? ये दोनों है। अपने आप को पहचानते हैं? ये फोटो कहाँ खिंचवाए थे? कहाँ गए थे फोटो? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ पूजा करने गए थे कपड़ा पहनकर? कहाँ पे? बंदीपुर। बंदीपुर। ये पूजा करने कहाँ गए थे? बंदीपुर। ये वाला फोटो कब का है? ये कहाँ खिंचाए थे? स्टूडियो में। कितने पैसे में तब खिंचवाए थे याद है? कहाँ 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 कितना पैसा हम खिंचवाए थे तब? कितना पैसा याद है? जा, अच्छा, जब पढ़ाई लिखाई किस क्लास तक आपने पढ़ाई करी थी तब? किस क्लास तक? कितना पढ़े रहे आप? कितना पढ़े थे जब 18 साल के थे तब? कितना पढ़े थे आपने? 10। 10 ही पास थे? तो 10 में जो जो पढ़ा था वो याद है? क्या क्या हमने पढ़ा था? नहीं याद है पढ़ाई वाला। अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। हमारे भाई के नाम पूछेंगे बता देंगे, वही मामा है, पूछिए। अच्छा, जब यहाँ से गए थे आप स्वर्ग लोग, तो वापस फिर आए थे यहाँ पे 12 दिन रहने के लिए? कहाँ पे बैठे थे आप? जब मम्मी रो रहे थे तब कहाँ आए थे? जब मम्मी रो रही थी तुम्हारे लिए तो कहाँ पर बैठे? मम्मी जब तुम्हारी रो रही थी यहाँ पे, तुम्हारे लिए बिलख रही थी कि मेरा बेटा चला गया, तो आप यहीं पे थे? उनको छूने का प्रयास करते थे? छुपाते थे? सुनता था? नहीं सुनता था? कोई सुन पा रहा था? नहीं सुन पा रहा था? नहीं सुन पा रहा। देखते थे कि मम्मी को चुप कराने आते थे? क्या कहते थे मम्मी से? हमको चुप कराते थे? हम नहीं चुप होते थे। क्या बोलते थे? मम्मी चुप हो जाओ, हम यही हैं। छूने का प्रयास करते थे कि मम्मी चुप हो जाओ, छू करके चुप कराए? उसके बाद कितने दिन तक यहाँ पर थे आप? एक महीना बाद। एक महीना? उसके बाद फिर कहाँ गए? तब कहाँ गए? उसके बाद कहाँ रहे यार इतना दिन? भगवान जी। भगवान जी के पास? तो जब यहाँ भगवान जी भेजे तब क्या बोले कि जाओ अपने मम्मी के पास फिर से? क्या बोले भगवान जी? जब तुम वापिस। तुम जाओ वापिस? ये किसके लिए आए हो? अमावती। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? हमारा नाम क्या है? का नाम है? का नाम है? नीता। बताओ सही से, बता दा। मीता। हमारा नाम का है? नाना। कैसे बुलाओ तेरा नाम के? मीना कहके। मीना कहके। नाना भी याद है? नाना का नाम बता दो। केशव। नानी घर कहाँ है? नानी घर चंपाती। अच्छा, ये चीज कुछ चीजें होती है कि जैसे कि आप गूढ़ रहस्य होते हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं जानता है ना, ये इन्हीं को पता होगी, ऐसे कुछ बातें बताते हैं कि जो हम ही को कभी चोरी किया था, कभी मार खाया था, कभी तुम्हारे पॉकेट से पैसे चुराए थे, तुम नहीं जान पाई थी?
एक बात ऐसा बताए थे कि जब याद आया था 2.5 साल पे तो अपने घर थी तो 18 साल के थे, बाप पीते उते थे, इनके जब कपड़ा जला दिए थे तो गुस्सा में क्या किए थे ना, यही जानते हैं और सब जान गए थे वो बात है, बाद में जाने आपकी बार नहीं नहीं तो ही बार सब हल्ला था, दादी इनका दादा सब झगड़ा उड़ा किए थे तो कपड़ा जलाने के बाद एक उनके बाप पीते थे दारू ही रहते थे ना, तो आधा बोतल दारू रखे थे तो बैटरी पानी सिरिंज से निकाल के उसी में डाल दिए थे दारू में, मतलब कि ये एसिड डाल दिए थे उसी में ये बैटरी का पानी, हाँ तो ये हमसे अपने घर से पूछिए हमसे तने बाबू से पूछो देखो याद है ये बात, हम के चुप अभी कहाँ से आता, इतना छोटे हैं ना, पूछिए अम्मा पूछिए हैं, 2.5 साल का बच्चा क्या बताएगा, तो हम पूछिए पूछे के नहीं बने यहीं याद होगा तो पूछो पूछो पूछे कहा हम ही डाले थे, बोले हम ही डाले थे। अच्छा जब एसिड का पानी आपने शराब में डाला था तो क्या सोच के डाला था, पापा मर जाए गला कर सबाए थे ना झगड़ा करने, क्यों क्यों डाला था आपने, पापा से बहुत परेशान रहते अच्छे थे पापा थे, अच्छे पापा अच्छे थे, अच्छा बाप का नाम बता दो, भूल लिखा दो बता, बाप के नाम क्या है, रिके रिके है, अब भैया तुम्हारे कहाँ है, भैया है, अच्छा मामा पापा कौन है, ये पापा नहीं है क्या, क्या बोलते हो इनको भैया पापा, अच्छा किसको बचाने गए थे बता दो, तो मटू के, मटू बचाने गए थे, किसी मूर्ति ले गए थे, अच्छा अच्छा जब बचा रहे थे नहीं बचा पाए तो ढूंढ रहे थे तो वो मिले थे तुमको, फिर बाद में ऊपर जा करके कौन मिला था, हम क्या मिला, अच्छा ऊपर में जाकर के मिले थे जब वो भी इंस्पायर हो गए वो भी चले गए दुनिया छोड़ करके तो वो वहाँ पे मिले थे जाकर, अच्छा मटरू कहाँ है, मर गए, तो कहाँ है वो, नदियों में, लोग बोलते हैं कि जो इस तरह का फांसी लगा के मरता है या डूब के मरता है जल के मरता है वो यहीं पे भटकता रहता है, इनका कैसे चला गया उनका यहीं पे रह गया, माता जाने, लेकिन हमारा उनके अलावा कोई नहीं था, आप सोचते हैं ना कि बिना बाप को पालना कितना मुश्किल है, वो संघर्ष हम किए माता के नाम लेकर किए थे कि हमारा कोई गाली दे हम जवाब नहीं दे, माता है भगवान, नदी में गए थे किसकी मूर्ति सरवाने गए थे, गणेश जी लक्ष्मी जी, कौन नदी, बंदीपुर, नदी का नाम क्या है, नदी का नाम बंदीपुर, जगह का नाम नहीं नदी का कौन सी थी, वही नदी वही है बंदीपुर, मूर्ति किसका लगती है बताएं, गणेश भगवान लक्ष्मी जी का मूर्ति सरवाने गए थे तो गणेश जी लक्ष्मी जी ऊपर भी ले गए थे, अच्छा जो दोस्त आपका था जिसको बचाने गए थे वो कहाँ है अभी, घर पे, घर पे है, अरे बचाने गए थे नदी, किसको बचाने गए थे नदी में, किसको बचाने गए थे, मटरू कहाँ है, मटरू कहाँ है, मटरू आप चले गए भगवान के पास तो मटरू कहाँ गए, नदी में, अभी नदी में है, आप उनसे बात कर सकते हो, अच्छा इनकी जो मम्मी थी वो इनको छोड़ के चली गई वो उनको मतलब कि क्यों चली गई वो, भाभी कहाँ, भाभी कहाँ, याद आने से तकलीफ हो गया उसको, जब से याद आया तो घर में मार आदमी औरत भरे थे लेकिन उसको तकलीफ हो किचन में भाग जाए, किचन में, लेकिन हम सब नहीं समझ पाए, अच्छा ये भी तो था कि पैदा तो उन्हीं के शरीर से हुए थे ना, वही तो कहे ना, तो फिर वो क्यों भाग गए, देवर था इसलिए या फिर, हाँ भाभी बोले आपको मानता है, कहे तो हम कागज दिखा देंगे, कागज लिख कर भेजी है कि बच्चे से हमसे कोई मतलब नहीं, बेटी बाप के पास रहे, बेटी हमारे बेटी बड़ी है 2 साल से, तो केस करने जा रही थी, कहते हम उसके बिना मर जाएंगे लेकिन इससे नहीं मतलब, मान लीजिए हम सब अगर गलत है हम सबसे बात नहीं, लेकिन इनका तो नंबर है कभी नहीं, भी नंबर है उसके पास, लेकिन कभी हाल चाल नहीं, देवर से इतना ज्यादा नफरत थी उसको कि जो बेटा अपने शरीर से पैदा हुआ उसकी भी फिक्र नहीं रही उनको, 15 दिन हुआ तब फिर भी बोले कि मम्मी हमको ममता नहीं है बाबू को जितना ममता वहनी का है, तो ये बोली कह रही कि ऐसा क्यों बोले, अच्छा उनको भी तो पता था कि जब माता रानी इनको भी आकर के बोली थी कि आपका देवर आ रहा है, लेकिन वही बात विश्वास नहीं था ना, जब तक विश्वास नहीं था तब तक जो है कि सब ठीक था, जब यकीन हो गया कि नहीं देवर ही घूम करके आया है, तो 2.5 साल के बाद 2.5 साल के बाद अब जान ली कि मेरा देवर है, वही दिन से उनसे घृणा हो गया, बताइए ऐसी माएं भी दुनिया में रहती हैं कि देवर की नफरत जीत गई और बेटा का प्यार हार गया, लेकिन हम आज यही कहते हैं
ये बेटी है, हम तो जब से अमर गए, जिसका दुनिया उजर जाए बिस्तर पर हम पड़ गए, हम कुछ से कुछ सपरता नहीं, ये हम बीमार होते हैं, आई है एक खिचड़ी बात चली जाएगी। फिर आपने अपने बेटे की दूसरी शादी करी कि नहीं? अभी नहीं की है, लेकिन सोचते हैं तो चल जाएगी तो क्या करेंगे, कोई खाना बनाने वाली नहीं मिल रही है, उनको कैसे पाले, दूध दे तो खाना खिलाए। मम्मी को आप याद करते हैं जो आपको पैदा करी है मम्मी, नई वाली नहीं याद आता उनका? जब इनकी मम्मी को उनको पता चला कि ये देवर है तो यहाँ से चली गई, उसके बाद उन्होंने शादी उदी कर ली है कि अभी वैसे ही बैठी है? नहीं, बड़ी बेटी थी 7 साल की। हाँ। उसको लेकर गई शादी करके चली गई। शादी करके कहीं चली गई, कहाँ पे किया है शादी? सुना में आ रहा है बस्कर जिला, बक्सर जिला। हाँ, बिहार में बस्कर। जब गई थोड़ा 3 साल के थे, बेटी बड़ी थी, उसको लेकर गई, लेकर चली गई शादी कर ली। हो गया, लड़की लेकर गई है। अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी कर ली, साल भर हो गया शादी हुए। साल भर हो गया शादी कर ली। मम्मी के लगे अगर जाना होगा तो जाते हैं कभी? मन नहीं करता जाने का? उनकी कभी याद भी नहीं आती कि मम्मी वो कैसी थी? जरूरत नहीं पड़ती? कैसा मम्मी बता दे, कैसी थी? अच्छी थी, अच्छी रही तब? कैसा? गंदी गंदी। मम्मी तो ये है ना, भाभी थी। अच्छा, मम्मी क्या कह रहे थे? मम्मी क्या भाभी, मम्मी को क्या कहते थे? जो तुम्हारी मम्मी छोटी वाली मम्मी थी वो, उसको क्या बोलते थे? भाभी भाभी। किसकी वजह से गई है वो? नाती है, हमारे वजह से। तुम्हारे वजह से क्यों गई वो? तुम्हारे वजह से क्यों चली गई? काहे गए बता दो, काहे गए? काहे गए बतावा, काहे गए? काप कर है चली गई? कुछ दूध ना देते? दूध ना देते? दूध ना देते रही है। तो ये ऐसा ही होता है, जब तक अपने नहीं पड़ती है तब तक, जिसे ये नहीं मान रही थी वैसे बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, हो सकता है कि 10 साल रोए। सब गवाह हमारे पड़ोसी हैं, रात भर चिल्ला चिल्ला रोए हैं, माउथ मांग। तो ये रही, दिन में 12-12 गोली खाता है, 20-20 गोली, दिन में 20-20 गोली, रात में 20-20 गोली, कि हम ऐसा करें कि हमको याद न आए, हम पागल हो जाए या तो हम मर जाए। तो इतना इतना दर्द, इतना फाटा कलेजा, हमेशा फाटे। तब मेडिकल में आराम से गोलियां मिल जाती थी, बच्चे से मंगा कर हम गोली दिन भर 10-20 खाते जाए। तो कोई असर नहीं करती, 3-4 गोली खा लो तो आदमी मर जाता है? असर करे बताइए। हमारा बेटा चल जाए ससुराल बहू को लिया कर ना, तो हम ये सब आए, हमारा रान पड़ोसी हमको उठाए, हम मुर्दा पर। जब ये एक्सपायर हुए थे तो आपके बहू आई थी यहाँ पे? 3 साल बाद आई थी। अच्छा, बराबर रोए देखे हमको, लेकिन हमारा खुशी मिला, तकलीफ हो गया। बताइए, बार बराबर रोते हुए देखती थी, लेकिन जब बेटा पैदा हो गया तो उसके लिए छोड़ के चली गई। बोले ये रिंकी तुम सोचती होगी कौने घर में शादी हुआ, सास हमारा दिन रात रोती है 8 साल ले, कहा मम्मी दुख तभी रो रही है, हमारा दुख को समझती थी फिर भी छोड़ के चली गई। अरे जब तक थी तब मम्मी 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 पुछा रो, हमारा कितना मान जान, कोई कमी नहीं था। मतलब कि गई क्यों, कि देवर मिला है इसलिए गई, कि मतलब भाभी कहते, सिर्फ भाभी कहने पे चली गई वो? जा रही थी देखने गई थी अपने बाप, जो उसकी बहन भड़का दी, तकलीफ था उसको, लेकिन भरने वाली उसकी दिल्ली की बड़ी बहन है, वही भर दी। जा रही थी बड़ी पोती की लेकर हमके रिंकी, तो क्या उसको क्या लगा कि मतलब अपने हस्बैंड के बराबर में हिस्सा मांगेगी क्या वो? ये आ गया तो घिन्ना हो गया, मतलब कि हमारा औलाद निकल गए। जा रही थी एक हफ्ता खाते हमके रिंकी बाबू को लेकर, जा नहीं मम्मी बाबू को नहीं ले जाएंगे, बड़ी पोती कर लेकर गई है, उनको नहीं ले गई, छोटे थे ना, तो मम्मी हम नहीं, एक महीना एक हफ्ता में आएंगे, फिर एक महीना। दूसरे के शादी करें आप, और आपकी वो पत्नी जो आए वो भी कहे कि ये तो मेरा देवर हो गया, वो प्रॉपर्टी भी बंटवारा करेगा। अब देर तो है ये भाई, अब तो भाई भाई रिश्ता चलता है भाई। अगर मान लिया कि वो भी कहे कि नहीं मुझे बेटा, मतलब आपका तो उसे बेटा लगेगा, रिश्ते भाई रिश्ता है, लेकिन आगे दूसरी पत्नी आए वो भी कहे कि मेरे पति में से बंटवारा करेगा ये, तब न करे, कोई करे ना करे, लेकिन जो माता जी चमत्कार कर दी, बता कर दी है, तो उसमें नहीं होगी गोड़े गिरे कि ऐसी कुछ भी है, हमारा पुत्र है, लेकिन पोती भाई बहन दोनों थे ना, कह रहे हैं कि दोनों को अलग मत करो बच्चों को,
दोनों साथ में खेलते थे, अलग नहीं कर दी, अकेले कहाँ खेले, किसके साथ खेले गए, मत जिंदगी खराब करो, अपना घर मत उजाड़ो, बहुत बार गए, बहुत रोए, बहुत रोए। पापा नहीं भैया कहते उनको सिस्टर रेनू है, होगा तो उन्हें बहू कहेगी, हमारी बहू नहीं कहेगी, लेकिन बहुत समझाए, बहुत रोए, बहुत गोले गिरे, जाइए यहाँ से, हमसे मही मतलब, उसका बाप यही आया था ना, पूछिए, हम चार आदमी सामने डांटे थे उसके बाप को, हमके भरने वाले ही सब हैं। तो ये बहुत ही मतलब कि अविश्वसनीय कहानी है जो आप लोग देख रहे हैं, और कहानी नहीं कहेंगे कि हकीकत कहेंगे जो इनके साथ में बीत रहा है। और यही 18 साल के होकर के जब पानी डूबे थे और अभी वर्तमान में है, 5 साल एज होगी इनकी, इनके पुत्र थे अभी उनके पुत्र हैं, इनकी जो वाइफ है, इनकी जो वाइफ है, इनके पैदा होने पर जब पुत्र पैदा हुआ तो खुशी हुई, लेकिन जब वो पुत्र देवर निकल गया तो छोड़ के भाग गई। उनकी भी एक अलग कहानी है, कैसी माँ रही है, कैसी उनकी ममता रही। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, हम लोग हैं अंबेडकर नगर पैकौली में और आप देख रहे थे उत्तम न्यूज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।